बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस, आज ये मेरा सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बेबी स्वेटर बना रही हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपको ये ऊपर की पट्टी बनाना सिखाई थी, जिस तरह हम ये देखें आप मोती स्टाइल किस तरह आएगा ये सिखाया था, और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। दूसरे वाले पार्ट में मैंने आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाया है, नितिन डिज़ाइन पैटर्न 3, वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने इधर भी जितना मैंने फंदे रखे हैं, यानी 92 फंदे रखे हैं, और इधर भी मैंने इसमें किस तरह डिज़ाइन डाला है, इसको किस तरह मैंने डिवाइड किया और डिज़ाइन डाला है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते जी। तो हैं। थोड़ा मैं आपको ग्राफ में समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने 46 फंदे कास्ट ऑन किए थे, उसके बाद मैंने प्लस करके इसमें 46 फंदों का इजाफा किया, तो यहाँ पर 92 फंदे हो गए। उसके बाद मैंने 6 लाइनें बनने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है वो डिवाइड करूंगी। तो डिवाइड देखे मैंने किस तरह किया हुआ है कि ये सामने फ्रंट मेरी दोनों पट्टी के फंदे आएंगे, यहाँ इधर भी और इधर भी, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो दोनों मैंने 8-8 फंदे लिए हुए। उसके बाद मैंने 12 फंदे लिए हुए, यानी राइट साइड हमारी यहाँ पर है 12 फंदे लिए हुए। उसके बाद दो मेरे जाली के फंदे आ गए, यानी इधर भी हम जाली बनाएंगे, दो फंदे बिनने के बाद फिर जाली बनाएंगे। और फिर यहाँ पर मैंने 10 फंदे आर्म होल के लिए हुए, फिर दो फंदे जाली के आ गए और 24 फंदे बैक साइड में, यानी फ्रंट में हमने 12 फंदे रखे हुए यहाँ पर भी और इधर भी, ठीक है। तो यहाँ हम बैक साइड पे हम दोनों को जमा करेंगे तो 24 फंदे हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। फिर दोबारा हमने दो फंदे जाली के लिए हुए, फिर 10 फंदे हमारे आर्म होल के आ गए, क्योंकि इधर भी हमने 10 फंदे लिए हुए तो सामने भी हमारे पास 10 फंदे होने चाहिए। फिर दो फंदे यहाँ पर हमारे जाली के आ गए, और फिर हमारे लास्ट हमारे 12 फंदे आ गए, यानी फ्रंट के आ गए, और आखिर में हमारे पास 8 फंदे पट्टी के आ गए। तो इस तरह ये हमारे यहाँ पर 92 फंदे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं इस तरह डिवाइड करूंगी और वो मैं आपको बताती हूँ आगे वाला स्टेप कि किस तरह हम इसको डिवाइड करेंगे। जी, तो देखिए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर की गले की साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें फंदे बढ़ाने भी हैं और डिज़ाइन भी डालना है। तो देखिए मैंने शुरू के तो 8 फंदे जो है वो मैंने सीधे करके बनाए, यानी निट करके उतारा है इसको, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर 12 फंदों, यानी 12 फंदों में मैं डिज़ाइन डालूंगी। फिर ये देखें इजाफे वाले दो यहाँ पर जाली वाले आ रहे हैं, और फिर आस्तीनों में डिज़ाइन नहीं डालेंगे, आस्तीनों के एंड में, यानी यहाँ ऊपर से हम सिंपल रखेंगे और आखिर में हम इसको डिज़ाइन डालेंगे। और फिर बैक के फंदे आ रहे हैं, 24 फंदे बैक में आ रहे हैं, ठीक है। देखें 8 फंदे ये मेरे सीधे आ रहे हैं, फिर ये डिज़ाइन के 12 फंदे मैंने इस तरह इसको डिवाइड किया, फिर दो लिए, फिर 10 लिए, फिर दो लिए, फिर 24 बैक के, फिर दो, फिर यहाँ आर्म होल के आ रहे हैं 10, और फिर आ रहे हैं फ्रंट के 12, और आखिर में पट्टी के 8 फंदे। तो मैंने 8 फंदों को सीधा करके बना लिया है, ठीक है। अब हमें देखें यहाँ पर हमें डिज़ाइन डालना है, और सिर्फ डिज़ाइन 12 ही फंदों में आएगा। डिज़ाइन जो है आगे जाके घर बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें डिज़ाइन सिर्फ 12 फंदों में ही करेंगे। एक सीधा लिया, धागा अंदर, ठीक है, एक उल्टा, ठीक है, धागा बाहर। अब यहाँ पर जो इसकी शुरुआत है, यानी K1 और P1 करके एक सीधा और एक उल्टे से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब देखें इन सिलाइयों के बीच में, यानी दो दो घर के बीच में हमने इस तरह नीडल डाली, पीछे से इस तरह धागा निकाला, ठीक है, और इसको वापस इसमें डाल दिया, ठीक है। धागा अपना, यानी थ्रेड अपनी तरफ किया, जो इजाफा किया था इसको, और दूसरे वाले को फंदे को, इन दो को हमने एक कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक उल्टा बिन लिया, ठीक है, धागा बाहर, फिर वही स्टेप आएगा, इसके बीच में डाला, इस तरह निकाला, ये देखें इस तरह निकाल के वापस निडल में डाला, सही है, धागा अपनी तरफ किया और इन दो को हमने एक कर दिया, ठीक है, और आखिर में भी हमने इसको उल्टा बना लिया। फिर धागा बाहर, इस तरह दो के बीच में इस तरह निडल डाली, वापस इस फंदे को हमने इस सिलाई में डाला, धागा अपनी तरफ किया, और जो हमने बढ़ाया था फंदा और इसका पीछे वाले फंदे को, दो का हमने एक कर दिया और एक उल्टा बना लिया। फिर हमने धागा बाहर किया। अब ये आखिरी आएगा, देखें इधर इस तरह डाला, ठीक है, और ये इस पे डाला, धागा अंदर किया, दो का एक किया, और फिर से एक उल्टा बना लिया,
ठीक है। अब शुरू में भी हमने देखे एक सीधा और एक उल्टा रखा था, तो पहले हमारा क्या आएगा, एक हमारा उल्टा आया, ठीक है, धागा बाहर, और एक हमारा ये हम सीधा करके बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे 12 फंदों का डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दो फंदों में देखें, ये दो फंदों में हमेशा यहाँ पर जाली बनेगी, तो धागा अंदर किया, ठीक है, और हमने इससे इस तरह एक, यानी क्या करेंगे हम, देखें धागा अंदर करके एक हमें जाली बनानी है यहाँ पर, यानी अब हमारे पास घर इजाफा होता चले जाएगा। एक घर लिया, एक घर हमने एक और सीधा बनाया, ठीक है। अब हमारे तीनों के आर्म होल का यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आर्म होल में मैंने 10 ली हैं, तो ये देखें एक धागा अंदर किया, ठीक है, दोनों तरफ इजाफा होगा, इधर भी इन और इधर भी। अब हमें 10 फंदे गिनने हैं, इसको भी हम काउंट करेंगे, एक दो तीन, ठीक है। मैं 10 फंदे कंप्लीट करने के बाद फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट जाली हमारी डल चुकी है, उसके बाद हमने 10 फंदे बिने, 10 फंदे के बाद देखें फिर दोबारा हमें यहाँ पर एक जाली आएगी, यानी इन दो में हमें जालियाँ बनानी है, इन दो फंदों के बीच में। देखें धागा अंदर किया और हमने यार्न ओवर किया, ये एक जाली बन गई, एक और हमने बिना सीधा करके, ठीक है, धागा अंदर किया। अब हमारे देखें बैक के फंदे शुरू हो गए, धागा मेरा अंदर ही है, इधर हमें जाली डालनी है, ठीक है। अब हम ये मेरे यहाँ पर 24 मैंने बैक में फंदे रखे हैं, क्योंकि शुरू में मैंने 12 रखे थे, तो 12 और यहाँ पर भी मैंने 12 रखे थे, तो उसको मिलाएंगे तो 24। अब मैंने शुरुआत क्या की थी, देखें धागा मेरा अंदर ही है और एक मैंने शुरू में सीधा लिया था, ठीक है, एक सीधा लिया, ये देखें इन दो के बीच में ये जाली आ गई, इसको भी हम काउंट करेंगे 24 में, एक सीधा लिया, ठीक है, धागा हमने अंदर किया, एक उल्टा लिया, ठीक है, धागा बाहर किया, इन दो के बीच में हमने निडल डाली, इस तरह दोबारा से वही डिजाइन रिपीट होगा इन 24 फंदों में, ठीक है। ये देखें इधर डाला, धागे को अंदर किया, दो के हमने ये देखें दो का एक किया, ठीक है, इसको भी हमने उल्टा बना लिया, ठीक है, धागा बाहर किया, इन दो के बीच में एक दफा और देखिएगा, ये देखें दो के बीच में हमने इस तरह डाला निडल को, पीछे से धागा इस तरह निकाला, सिंपल इस दोबारा इस निडल के अंदर डाला, ठीक है, धागा अंदर किया और दो का एक कर लिया, ठीक है, और इसको भी हमने उल्टा बना लिया, ठीक है। ये यहां से पूरा यहां तक आखिर में भी हमारे पास एक उल्टा और एक सीधा आना चाहिए। मैं यहां तक आपको फिर आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। देखें डिजाइन डालते हुए मैं आ गई, अब ये मेरे आखिरी 4 फंदे रह गए, इनमें भी मैं देखें सिंपल इस तरह लेके आपने इस तरह करना है, सही है, धागा अपनी तरफ किया और इन दो का हमने एक कर दिया और आखिरी वाला भी उल्टा बना लिया, ठीक है। अब दो फंदे रह गए, यानी इस डिजाइन के हम शुरू में एक सीधा लिया था और एक उल्टा लिया था, तो इधर भी हम एक उल्टा यानी P1 और K1 करके हम इसे नेट कर लेंगे। फिर दोबारा से देखें ये जाली वाले फंदे आ गए जहां हमें इजाफा करना है। अब देखें ये 24 और 24 हमें यहां पर मार्क कर लेना है, ताकि हमें सिर्फ इधर ही डिजाइन डालेगा, इधर और इधर जो फंदे बढ़ेंगे उसमें डिजाइन नहीं आएगा, ठीक है। धागा अंदर किया इन दो फंदों में, ठीक है, एक हमारी फर्स्ट जाली इधर डली, ये देखें सिंपल तरीके से धागा अंदर किया, सॉरी इसको हम एक और बिनेंगे, यानी दो हमने सीधे रखे हुए इसको भी बिना, ठीक है, और अब हमारे आर्म होल के फंदे शुरू हो गए, यानी आर्म होल में मैंने इधर 10 रखे थे, ठीक है, दोनों तरफ 10 हैं, तो मेरी यहाँ पर आर्म होल की जाली शुरू हो गई, धागा अंदर किया और इसको भी हम आर्म होल की ये वाले जो फर्स्ट वाले फंदे को आर्म होल में ही गिनेंगे, यानी 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह 4 और 6, यानी पूरी ये 10 फंदे में सीधे करके फिर दोबारा जाली आपको बताती हूँ कि किस तरह डली। तो देखिए 10 मैंने आर्म होल के बनाने के बाद फिर ये दो फंदे वो आ गए जिसमें हमने इजाफा करना है, यानी जाली वाले फंदे आ गए, इसमें हमने इजाफा करना है, तो धागा अंदर किया, ठीक है, इस तरह एक बनाया और दूसरा भी सीधा बिना, और फिर ये हमारे अब वही डिजाइन शुरू हो जाएगा जो हमने
यहाँ बीच में डाला है और यहाँ शुरू में। तो हमने शुरुआत देखे, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि शुरुआत में कैसे करी हूँ। देखे धागा अंदर किया, एक सीधा बनाया, ठीक है, धागा अंदर किया, एक उल्टा बनाया, धागा बाहर किया, इन दो के बीच में, एक दफा और देख लें, इन दो के बीच में देखें इस तरह निडल डाली, ठीक है, इस तरह हमने डाला, धागा अंदर किया, इन दो का जो जाली वाला फंदा है और बैक वाले फंदे को, इन दो को, ठीक है, ये दिख रहा होगा, इन दो को आपने एक कर दिया और एक हमने वापस से उल्टा बना लिया, ठीक है। इसी तरह बनाते हुए आखिर में हमारा एक उल्टा और एक सीधा आना चाहिए और आठ फंदे ये जो हमारे ये देखें पट्टी के फंदे चल रहे हैं, ठीक है। ये मैं पूरी यहाँ पर डिजाइन डाल के और सीधा बना के पट्टी के फिर मैं आगे आपको बता जी। तो फिर हम राइट साइड पे आ गए, ठीक है, और शुरू के जो आठ फंदे ये सीधे करके बनाए जिस तरह हम बनाते हैं, एक फंदा हमने इसको नहीं बिना और बाकी हमने सीधा करके इसको कम्प्लीट किया। अब हम देखें सिलाई की, ये हमारी सेकंड लाइन पे आ गए हम, और इस सिलाई की ये लास्ट, इस डिज़ाइन का ये लास्ट होगा, यानी अगर आप काउंट करेंगे तो ये तीसरी लाइन होगी और ये हमारा लास्ट होगा। हमने पहली लाइन में क्या किया था कि एक सीधा और एक उल्टा लिया था, यानी के वन और पी वन करके लिया था। अब हम सिर्फ एक सीधा यानी के वन करके, यानी सीधा करके एक सीधा, ठीक है, और डिज़ाइन वहीं से रिपीट हो जाएगा। अब इन दो में डिजाइन देखें, यहां डला था, अब यहां पर डलेगा। इन दो के बीच में इस तरह निडल की, इस तरह निकाला और इस तरह डाल दिया, धागा अंदर किया, इन दो का हमने एक कर दिया और फिर से हमने उल्टा बना लिया, ठीक है, इस तरह है बस। फिर हमने दोबारा वही रिपीट करना है, और डिजाइन हमने जो 12 फंदों से स्टार्ट किया था, यानी हमने जो आम यहाँ फ्रंट में रखे थे 12, हम इजाफे वाले को सीधा ही बिनेंगे, ठीक है, इजाफे वाले में हम डिजाइन नहीं डालेंगे, सिर्फ इन 12 फंदों में यानी 12 फंदों में ही डिजाइन आएगा दोनों तरफ, और बैक में 24 में आएगा, जो इजाफा होगा फंदों का उसको हम सीधा करके बनाएंगे, ठीक है। धागा बाहर किया, इन दो के बीच में निडल डाली, इस तरह निकाला, इसको वापस डाला, इन दो को हमने एक कर दिया और वापस से हमने देखें उल्टा बना लिया, ठीक है। ये हमने धागा बाहर निकाला, अब ये देखें ऐसे डाला निडल, इसको निकाला और ये इस तरह डाला, धागा अंदर किया, इन दो का हमने एक कर दिया, आखिर में भी हमने उल्टा बना लिया, ठीक है, धागा बाहर। अब देखें शुरू में हमने सीधा लिया था तो इधर भी एक हमारा सीधा आएगा। ये सिर्फ ध्यान रखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदों में, ठीक है। अब जो हमने इजाफा किया था यानी धागा अंदर करके हमने इजाफा किया था, ठीक है, अब हम पहले 12 फंदों के बाद हमने धागा बनाया था, इस तरह इजाफा किया, अब हमारे पास ये देखें एक फंदा हमारे पास इजाफा आ रहा है तो इसको हम सीधा ही बनाएंगे। डिजाइन मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ 12 फंदों में डालेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर जाली आएगी, धागा अंदर किया, एक सीधा करके बना लिया, ठीक है, यान ओवर हो गया, यहाँ पर जाली का भी इजाफा हो गया, फिर दोबारा से हमने एक सीधा किया, ये दो फंदे हमारे सीधे ही आएंगे, फिर धागा अंदर किया, अब हमारे पास आम होल के फंदे आ जाएंगे। अब आम होल के फंदे मैं आपको गिन के बता देती हूँ कितने आए, देखिए ये जाली वाला फंदा है, इधर जाली डलेगी, इसको हम नहीं बिनेंगे, इसको आम होल में शामिल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 15 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। इसको हमने इसको ये देखें दोनों तरफ से एक, ये इस तरह हमने पूरी सिलाई बनानी है जहाँ तक हमने बनाया, ये देखें इधर भी इजाफा हो गया, इधर भी इजाफा हो गया। अब ये पूरा हमने इसको यहाँ तक बनाना है, ठीक है, मैं यहाँ तक बनाने के बाद फिर जाली का इजाफा करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी जी। तो देखें फिर से हम आ गए, अब हमने इसके ऊपर जाली नहीं बनानी, इसको हमने बिनना है, ठीक है। ये हमारा 12 फंदे हो गए, यहाँ पर भी इजाफा किया था हमने, इधर भी, तो अब ये हमारे पास 12 फंदे हो गए। अब हमने इसके ऊपर यानी दोनों तरफ से हमारा इजाफा होगा, इसका यहाँ से भी, इधर से भी, और इसको ये वाले फंदा इसमें काउंट होगा, इधर सिर्फ एक फंदे का इजाफा होगा। अब देखें इसमें भी हमें जाली डालनी है, धागा अंदर किया, इस तरह बनाया, ठीक है, एक और हमने सीधा बनाया, ये दो फंदे हमारे सीधे ही बनेंगे, बस इसके बीच में जाली आनी है। अब इसको हमने किसमें शामिल करना है, इसमें,
यानी बैक में शामिल करेंगे। इस एक फंदे को हम बैक में शामिल करेंगे, यानी जो इजाफा हो रहा है इसको हम बैक में शामिल करेंगे। लेकिन किस तरह, देखें इसको भी हम सीधा ही करके बनाएंगे, नहीं इसके ऊपर हम जाली डालेंगे, ठीक है। धागा अंदर किया और फिर हमने इसको सीधा करके बना लिया, ठीक है, सही है। अब हमारे ये वही शुरू हो गए जो हमने 24 फंदे जिसमें हमने डिजाइन डाला है, जो हमारी शुरुआत हमने की थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखें एक फंदा मैंने क्या कहा है, सीधा लेना है, ठीक है। इन दो के बीच में इस तरह निडल डाली और इसके इसके ऊपर हमने इस तरह डाला, धागा अंदर किया, दो का एक कर लिया, ठीक है, और फिर एक उल्टा बना लिया। फिर धागा बाहर किया हमने, इन दो के बीच में इस तरह निडल डाली, इस तरह निकाला, ठीक है, और धागा अंदर करके शुरू वाले को और इसके बाद वाले को हमने दो का एक करा और फिर से दो का एक हो गया, ठीक है। इसी तरह करना है, देखें सही है। तो इस तरफ से भी इजाफा हो रहा है और इसका इसमें शामिल करेंगे, इधर से भी इजाफा हो रहा है और ये देखें एंड में भी हमारा इजाफा होगा, लेकिन हमने डिजाइन 24 में डालना है, ठीक है। इसी तरह एक दफा और देखिएगा, ये दो के बीच में हमने इस तरह निडल डाली, इस तरह निकाला, ठीक है, इस फंदे को इसमें डाला, धागा अंदर किया, दो का हमने एक किया और आखिर में भी हम दो का एक कर देंगे, ठीक है। इस तरह मैं यहां तक डिजाइन डाल के आपको फिर दिखाती हूँ जी। तो ये देखें आखिरी इस तरह, ठीक है, आखिर में भी अब हमारे पास सीधा एक आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ से 24 घर यहाँ से यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ 24 घरों में हम डिज़ाइन डालेंगे, ठीक है। मार्क आप देखें यहाँ पर कर लिएगा। अब मैं यहाँ पर देखें ये वाला फंदा जो है अब इजाफा हो रहा है हमारे पास, यानी बैक में हमारे पास इजाफा हो रहा है, तो हम इसको सीधा ही करके बनाएंगे। डिजाइन सिर्फ हमें 24 फंदों में बनाना है। अब देखें फिर यहाँ पर जाली डलेगी, धागा अंदर किया अपनी तरफ, एक जाली बना ली, यान ओवर कर लिया, सेकंड भी हमने इसको सीधा करके बना लिया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमें ये देखें, उसके बाद हमें धागा अंदर किया और इसके ऊपर ही हमने इजाफा कराया, ठीक है। इसको भी हमने काउंट कराया आस्तीनों में, ये आर्म होल की आर्म होल आ गया हमारा, ठीक है। इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे, इसमें हम डिजाइन नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये हमें सीधा करके फिर दोबारा फ्रंट में डिजाइन आपको बताऊंगी कि किस तरह डलेगा जी। देखें आस्तीनों को बनाती हुई गई और इस वाले फंदे को भी हम बिनेंगे, इसको हमने बिन के आस्तीन में शामिल कर लिया। अब देखें इस इन दो से पहले शुरू में क्या होगा, धागा अंदर किया हमने, इसको इस तरह बनाया एक सीधा करके, इसको भी हमने सीधा करके बनाया और देखें ये अब हमारा बैक यहाँ फ्रंट में शामिल हो जाएगा ये फंदा। अब हमें इसके ऊपर जाली डालनी है, ठीक है। दो बनने के बाद हमें धागा अंदर किया और ये देखें इस तरह हमने जाली बनाई, लेकिन अब हमें यहाँ पर देखें ये जो हमारा इजाफा हो रहा है, हमें यहाँ पर डिजाइन नहीं डालना, सिर्फ हमें 12 फंदों में ही हमारा डिजाइन आएगा। तो हमने क्या करना है, देखें एक तो हमारा यहाँ पर भी सीधा करके बनाएंगे और फिर से हम वही लाइन शुरू करेंगे जो हमने शुरू में की थी, ठीक है। इसकी जो सेकंड लाइन है, धागा अंदर किया, दो का एक किया, फिर से दो का एक किया। पहले में हमने क्या किया था कि एक हमने सीधा लिया था और एक उल्टा लिया था, फिर ये डिजाइन डाला था। अब हमने सिर्फ एक सीधा लिया और इन दो को हमने एक कर लिया, धागा बाहर किया और ये इस तरह बाहर निकाला, इसको निडल पे डाला, सिंपल है बहुत डिजाइन। धागा अंदर अपनी तरफ किया और दो का एक कर लिया, ठीक है। ये पूरा डिजाइन इसी तरह आएगा। आखिर में भी देखें ये एक फंदा आपको दिख रहा होगा सीधा आएगा, यहां तक जो है ना वो डिजाइन आएगा और एक फंदा सीधा, फिर ये हमारे पट्टी के फंदे शुरू हो जाएंगे जो हमें निट करके ही दोनों तरफ से हम निट करके उतारेंगे। ये पूरी यानी सामने की लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी तरफ आएंगे। उल्टा मैंने आपको क्या
बताया है कि पल्स वाइज ही हम बनाएंगे, यानी उल्टी सिलाई हमेशा हम उल्टी करके बनाएंगे। जो शुरू के फंदे हैं हमारे वो सीधे आएंगे 8 फंदे, और बाकी हम उल्टी करके आएंगे, और आखिर में भी हमारे सीधे करके 8 फंदे बनेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करके और उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर राइट साइड पे आती हूँ। तो देखें कुछ डिजाइन आपको दिख रहा होगा, जो एक फंदा हमने देखें चेन कितनी खूबसूरत सी आ रही है, फिर ये पट्टी के फंदे आ गए, ये फ्रंट आ गया, ये आर्म होल आ गया, ये बैक आ गया, और फिर फ्रंट सॉरी आर्म होल, और ये हमारा फ्रंट। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक दफा आपको और बता देती हूँ, फिर मैं इसको राउंड सिलाई में डाल लूंगी, क्योंकि घर में इजाफा हो रहा है तो मैं राउंड सिलाई में इसको डाल लूंगी। एक दफा और देखिएगा, देखें ये तो हमारे शुरू के जो हमारे पट्टी के फंदे आ रहे हैं, जिस तरह हम बनाते आए हम वैसे ही बनाएंगे, ये 8 फंदों को हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, और दोबारा से डिजाइन हमारा जो पहली लाइन थी हमारी डिजाइन की वहीं से शुरू हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि हमें पट्टी के फंदों के बाद ये देखें 8 कंप्लीट हो गया। आप कुछ आपको देखें ये देखें, ठीक है ये वाजा आपको दिखने लग गया होगा, लेकिन ये देखें 2 घर का भी इजाफा हो रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं बना रही, यहाँ पर डिजाइन नहीं बनाऊंगी, ये इसी तरह इजाफा होगा सिर्फ ये 12 फंदों में, सिर्फ आपने ध्यान रखना है 12 फंदों में। फिर दोबारा से वहीं से शुरू हो गया, एक सीधा धागा अंदर किया, एक उल्टा जो हमने फर्स्ट लाइन शुरू की थी, ठीक है, फिर धागा बाहर किया, इन 2 को हमने इस तरह बीच में डाला, बाहर निकाला और इसको वापस सीधा डाला, धागा अंदर किया, इन 2 को हमने एक कर दिया। ठीक है, फिर एक उल्टा बना लिया, फिर धागा बाहर, बस इसी तरह हमने पूरा ध्यान रखते हुए बनाना है कि हमें जो इजाफे हैं उसमें हमने डिजाइन नहीं डालना, बाकी डिजाइन ऐसे ही चलेगा जैसे आ रहा है बन रहा है। ठीक है, ये पहली लाइन है जो मैंने पहली लाइन में बनाया, मैं वही रिपीट कर रही हूँ, बार बार ये 2 लाइनें जो है हमारी रिपीट होगी। ठीक है, और पूरी हमारी उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी ही चलेगी, यानी पल्स वाइज हम उल्टी बनाएंगे। ठीक है, ये देखें आखिर में हम आ गए, ये इस तरह डाला, 2 का 1 किया, बहुत खूबसूरत बनके ये तैयार होता है स्वेटर। ठीक है, अब ये देखें आखिर में मैंने क्या किया, एक हमने शुरू में हमने एक उल्टा और एक सीधा और एक उल्टा लिया था, तो आखिर में भी P1 और धागा बाहर K1। ठीक है, ये हमारे देखें यहाँ पर 12 फंदे आपको डिजाइन दिख गया होगा, 12 फंदे कंप्लीट हो गए। अब ये देखें आप, ये 2 फंदे इस तरफ ही आएंगे, यानी ये वाला फंदा और ये वाला फंदा हमें सीधा करके ही बनाना है, इसको सीधा बनाया, ठीक है, इसको भी हमने सीधा बनाया। ठीक है, अब सॉरी इधर जो है हमारी जाली डलेगी, इसको सीधा करके बनाएंगे, और धागा हमने इस अंदर किया और इस तरफ देखें, ठीक है, इन 2 को हमने इसमें शामिल कर लिया, लेकिन 2 का इजाफा हो गया, 2 जाली डली थी तो 2 घर का हमारा यहाँ पर इजाफा हो गया, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 12 को इस तरह मिलाएं तो हमारे पास 14 फंदे हो गए, लेकिन हम इन 2 फंदों में नहीं करेंगे, जितने फंदे हमारे इजाफा होता चले जाएगा जाली वाले हमें नहीं करने। ठीक है, इसको इस तरह बनाया, ये 1 हो गया, एक और हमने सीधा करके बनाया, ये 2 फंदे जो हम जाली वाले ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम आर्म होल में शामिल करेंगे, इसमें हम धागा अंदर किया और हम इस पे जाली बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे आर्म होल के सिंपल बना रहे हैं हम, यहाँ से ऊपर से हम सिंपल रखेंगे, शुरू में हम इसमें डिजाइन डालेंगे। ठीक है, ये पूरे मेरे आर्म होल के फंदे आ गए, मैं पूरे यहाँ पर बना के फिर आपको बैक का भी एक दफ़ा और बता देती हूँ कि किस तरह डिजाइन डालेगा जी। तो देखें ये डिज़ाइन पूरा डल गया, और आखिर में हमारा ये देखें 2 फंदे रह गए, तो हमने क्या शुरू में किया था, ये देखें 1 उल्टा और धागा बाहर 1 सीधा। ठीक है, शुरू में भी हमने 1 सीधा और 1 उल्टा करके बनाया था, तो आखिर में भी हमारे पास 1 उल्टा और 1 सीधा आना चाहिए, तो ये 24 फंदे हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब देखें फिर से ये इजाफा हो रहा है, तो ये देखें इसको हम बिनेंगे, ये हमारे फंड में ही आ रहे हैं, देखें 1 बनाया, इसको भी हमने बनाया, क्योंकि 2 जालियां बन चुकी हैं, तो यहाँ पर ये देखें 2 का इजाफा हो गया, लेकिन ये आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखें, मैं सिर्फ इन 24 फंदों में ही डिजाइन डाल रही हूँ, जो इजाफा हो रहा है मैं उसमें डिजाइन नहीं डाल रही। ठीक है, आप भी मार्क यहाँ लगा के रखिएगा, इस तरह मार्क लगा लिएगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमने सिर्फ 24 फंदों में ही काम करना है, डिजाइन डालना है। ठीक है, ये जो फंदे हमने इस तरह
ठीक है, इन 24 फंदों में ही हमने डिजाइन डालना है, ठीक है, ये इस तरह मार्क आ जाएगा, ये इजाफे वाले इधर नहीं करना। अब देखिए फिर जाली का आ गया, धागा अंदर किया, इसको बिनना है, इसके बाद बनाना है, ठीक है। धागा अंदर किया हमने, इस तरह एक लिया और इसको भी हमने बिना, ठीक है। अब इधर हमने, इधर तो हमने इसको बिनने के बाद जाली डाली थी, इसको हम नहीं बिनेंगे, इसके अंदर ही ऊपर ही हम जाली डालेंगे। धागा अंदर किया, ये देखें, ठीक है, इस तरह ये हमारा फंदे इजाफा भी हो गया और ये आर्म होल में आ जाएगा, ठीक है, ये आर्म होल में आ जाएगा। तो इस तरह 10 फंदों का इजाफा था, तो यहाँ पर आर्म होल में हमारे पास 14 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। ये बनने के बाद पूरा फिर यहीं से दोबारा वही डिजाइन शुरू हो जाएगा जैसे मैं बनाती आई हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये रिपीट करना है, ठीक है, आर्म होल के बाद मैं आपको बताती हूँ। बस इसी तरह हमने, ये देखें, 12 फंदे हमारे ही शुरू के कंप्लीट हो गया और एक हमारा ये सीधा आ गया, ठीक है। इसी तरह देखें, पहला ये जो स्टेप डाला था वो डाल लिया हमने, सेकंड पहला डालना है, फिर सेकंड वाला स्टेप डालना है, फिर पहला, फिर सेकंड, फिर पहला, इसी तरह। और उल्टी सिलाई हम हमेशा उल्टी ही करके बनाएंगे, जो फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं वो वैसे ही बनेंगे। अब देखें ये जो, ये देखें 12 ही में बनना है, ये 12 और ये बैक में 24 फंदों में डिजाइन डलेगा, हम इजाफे वाले में नहीं, दोनों तरफ से इजाफा होगा उसमें नहीं बनाएंगे। फिर ये आर्म होल आ गई और ये हमारे फ्रंट का आ गया दोनों तरफ के, तो 12-12 करने हमने। अब देखें ये 12 फंदे हैं, तो ये देखें एक, ये दो, ये तीन, बताने का मकसद ये है, देखें ये इस तरह आएगा लोग, ये तीन का इजाफा हो रहा है, इसको छोड़ के एक दो तीन, क्योंकि एक दो तीन, तीन जालियां बनी थी तो तीन का इजाफा हो गया, ठीक है। इसमें हमें डिजाइन नहीं डालना, सिर्फ 12 में डालना है, और धागा अंदर करके इसी तरह हम जाली बनाएंगे, फिर एक दोबारा सीधा बनाएंगे, ठीक है, फिर धागा अंदर करेंगे और ये हमारे देखें आर्म होल के फंदे आ गए, ठीक है। इसी तरह पूरा ये हमने रिपीट करते हुए जाना है। मैं थोड़ा सा बना के आपको फिर दिखाती हूँ इसका लुक किस तरह का आ रहा है, ठीक है, इस सिलाइयों में, और 3-4 मैं जालियां डालूंगी ताकि आपके अच्छे से और आगे मैं समझा सकूँ। तो देखें पूरे मैंने हिस्से में पूरा डिजाइन डाल दिया है और मैं आपको हिसाब भी बता देती हूँ कितनी मैंने जालियां रखी हैं, इसके अंदर कितने होल्ड मैंने यहाँ पर रखे हैं जो मैं इजाफा कर रही थी। यहाँ पर मेरी 18 होल्ड आ गए, 18 होल्ड पे देखें डिजाइन उन्हीं 12 फंदों पे चल रहा है, उससे आगे जो फंदे भर रहे हैं उसमें मैं डिजाइन नहीं डाल रही, ठीक है। यहाँ पर मेरे फ्रंट में मेरे पास आ रहे हैं 31 और फिर यहाँ आर्म होल आ जाता है, आर्म होल में मेरे यहाँ पर आ रहे हैं 48, क्योंकि एक फंदा मेरा यहाँ पर इस तरफ जाएगा और एक फंदा इस तरफ आएगा, तो इस तरह मैंने काउंट किया हुआ है। और देखें बैक में, यानी यहाँ पर जो आप डिजाइन देख रही हैं 24 फंदों में है, यहाँ और यहाँ मैंने ये साइड में जो इजाफा हो रहा है यहाँ डिजाइन नहीं डाला, तो मेरे बैक में आ रहे हैं 62 और आर्म होल में आ रहे हैं मेरे पास 48 और फिर बैक में 31। इस तरह ये पार्ट भी बन के कम्प्लीट हुआ। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह हम इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।